आपका DTW 24 न्यूज़ में, मैं राधा सा। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर है। इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग अपने घरों से ऊंचे स्थान पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में अपने अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाले रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करते दिखे। ऐसे में सीतामढ़ी का जिला प्रशासन अपनी राहत कार्यों की तैयारी की समीक्षा में ही लगा है। लोगों को बचाने के लिए मसीहा के रूप में पहुंचे रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना ने NDRF की टीम की मदद से ऑपरेशन चला लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीर रीगा के भावदेपुर की है, जहां रीगा विधायक बाढ़ में पिछले कई दिनों से फंसे लोगों को निकालने के लिए उनके घरों तक पहुँच रहे हैं। इस दौरान विधायक ने बाढ़ में फंसी महिला को अपने कंधे पर निकाला। करीब 8 बजे चंदन नगर के पासवान जी का फोन आया कि श्याम बाबू पासवान जी के ऐसे ऐसे हम लोग फंसे हुए, हम लोग को निकालना हो, बहुत से ऐसे फैमिली हैं। तो हम लोगों ने दीपक जी नगर SKPO एवं SDO साहब से बात करके NDRF की टीम का अरेंज किया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के इनकलाब जिंदाबाद हम लोग शिफ्ट कर दिए। बता दें कि इससे 4 दिन पूर्व बैरगनिया के जोरियाही में मध्य रात्रि जब बांध टूटने की सूचना पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर में मिट्टी भरकर विधायक पहुंच गए थे और टॉर्च की लाइट में कार्यकर्ताओं के साथ रीगा विधायक बांध मरम्मती कार्य में लग गए थे। बता दें कि पिछले वर्ष भी आई प्रलयकारी बाढ़ में विधायक टुन्ना ने जिला प्रशासन से पूर्व लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य किया था, जिस दौरान करीब 1 माह तक विधायक बाढ़ पीड़ितों के कैंप में खुद रहकर अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आए थे। ये हमारे रीगा प्रखंड गणेशपुर गांव पंचायत है, जो स्थिति हमारे यहाँ एकदम पूरा पानी से खचाखच चारों तरफ भरा हुआ है, दलदल में फंसे हुए हैं। इधर आदमी को खाना ले जाने का आने का जो रीगा से सटे हुए मार्केट है, रीगा से सटे हुए गणेशपुर गांव पंचायत है, जिसमें लोगों को आना जाना एकदम बाधित हो चुका है। इतनी परेशानी हो रही है जो चारों तरफ देख रहे हैं, केवल पानी ही पानी मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो अभी तक कोई पदाधिकारी CO BDO कोई आदमी अभी तक उनको देखने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई सहायता ये सब अभी तक कोई सहायता नहीं है। आसपास में कितना गांव डूबा होगा? अभी आसपास में अभी बकरी है, गणेशपुर है, बहनगामा है, नरे टोटल तमाम पंचायत जो है पानी से घिरा हुआ है, निकलने की साधन यहाँ कोई अभी तक। तो वहाँ कोई राहत ये सब प्रशासन की कुछ नहीं? तो क्या क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, कैसे रह रहे हैं अभी वहाँ के लोग? इतना परेशानी है, झेल रहा है परेशानी में, सब लोग अपना किसी तरह जिंदगी को बिता रहा है। क्या क्या मांग है? कुछ मांग है आप लोग? मांग है कि बाढ़ में जो भी सुविधा है सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, यही है। दूसरा क्या है, जो भी लोग फसल लगाया था धान, उनका सारा चल ही गया, जो देख ही रहा है सारा पानी से पूरा दलदल भरा हुआ है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।